हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करेंगे। अमूमन मैं नहीं करता हूं, लेकिन यहां करेंगे। हाल ही में एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 का पेपर ख़त्म हुआ है 21 मार्च को, और टीयर 2 की बात करें तो जून के फर्स्ट हाफ में आपका टीयर 2 हो सकता है, अगर सीजीएल से शेड्यूल कंपेयर करके देखें इसका तो ऐसा मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब सीएचएसएल के बारे में वीडियोज़ नहीं बनाता था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, जब जैसे ही मैंने देखा नोटिफिकेशन को, मुझे बहुत अजीब लगा था, ठीक है। किया क्या है कि सीएचएसएल से जो बेस्ट वैकेंसीज हुआ करती थी उसको काट के हटा दिया गया है, तो जो बच गई है वैकेंसीज वो 1900 ग्रेड पे की जॉब है मैक्सिमम, और एक डीओ की पोस्ट होती है जो कि 2400 ग्रेड पे की है, जिसकी वैकेंसी काफ़ी कम होती है, ठीक है। और दूसरा कि जो पैटर्न है वो बिल्कुल सीजीएल से के बराबर कर दिया है, एग्जैक्टली सीजीएल के बराबर, ठीक है। तो सीजीएल में जो चेंजेस हुए पैटर्न में, या एमटीएस में जो चेंजेस हुए, वो तो अच्छे चेंजेस हुए जिससे कि कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन सीएचएसएल में जो चेंजेस हुए हैं उसका क्या लॉजिक है, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज़ को लेकर मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ, उसके लिए मैं बच्चों को कैसे कन्विंस करूँ तैयारी करने के लिए, इनकरेज क्यों करूँ, ठीक है। तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था, लेकिन अभी क्या है कि टीयर 1 हो चुका है, बहुत लोग टीयर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सीएचएसएल के ऊपर, टीयर 2 के ऊपर एक वीडियो मैं लेके आऊँ, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अच्छा, इस पैटर्न का एक फ़ायदा भी है वैसे, कि जो लोग सीजीएल भी देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होगी कि अभी वो सीएचएसएल टीयर 2 उन्होंने दो देने वाले हैं, उसके बाद सीजीएल 2023 टीयर 1 देंगे, फिर सीजीएल 2023 टीयर 2 देंगे, तो ऐसे उनका रिदम सेम रहेगा, तीनों का सिलेबस पैटर्न काफ़ी हद तक सेम है, तो उनको स्विच करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये एक फ़ायदा तो यहाँ पे वैसे एस्पिरेंट्स को मिलेगा। प्रैक्टिस बहुत करना है आपको, ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस की बात करें तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, किरण की ये बुक है सीएचएसएल के लिए। इसमें 20 सेट्स आपको बुक में दिए हुए हैं और 10 सेट्स ऑनलाइन है, जो कि आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के आपको बाद मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इसमें क्या है ना कि जो सीजीएल टीयर 2 हुआ है अभी 2022 का, उसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस परफेक्टली मैच करता है वो उसमें डाले हुए हैं। इसी तरह की एक बुक सीजीएल की भी पब्लिश की थी किरण ने, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। सबसे पहले तो ये काम शुरू कर दीजिए कि टाइपिंग तो नॉन स्टॉप शुरू कीजिए आप अच्छे से, ठीक है। सीएचएसएल की टाइपिंग थोड़ी बेटर होती है सीजीएल से, उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है क्योंकि टाइपिंग बेस्ड जॉब ही होती है अभी कंप्लीट, ठीक है। और वहाँ पे प्रेशर जितना होता है तो वहाँ पे आपके एरर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मार्जिन आपको कम मिलता है वहाँ पे सीजीएल का कंपैरिजन में, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए आज से, अभी से अगर पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से तो स्टार्ट कर ही दीजिए। डेली 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग को देना ही देना है, ये बात मान के चलिए। कंप्यूटर में आप कोई बुक ले लीजिए, मेरा यही सजेशन रहेगा। वैसे किसी को कोर्स भी लेना है उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके कॉल के ऊपर है। लेकिन इसके अपार्ट एसएससी सीजीएल 2022 का जो टीयर 2 हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के, वो सारे आपके कंप्लीट होने ही होने चाहिए, सब आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ मिस मत करिएगा। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 और टीयर 2 के सारे सेट्स आपको लगा लेने हैं, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। पैटर्न चेंज होने के बाद पहली बार पेपर हो रहा है तो सीएचएसएल का पेपर जो है टीयर 2 का वो आसान आ सकता है, ठीक है, इस बात के काफ़ी चांसेस हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा जाके सबको पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवरऑल नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका काम चल सकता है। रीजनिंग में, इंग्लिश में, मैथ्स में आपको बहुत ज़रूरी है कि सारे सेट्स आप प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़रूरी है कि सिमिलर क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे सीएचएसएल में भी। जीके की अगर बात करूँ तो जीके में एक तो करंट अफेयर को लेकर कोई सर्टिनिटी नहीं है कि वो 1 साल का या 2 साल का या 3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ सकते हैं आप। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है कि जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो काफ़ी हद तक किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत डेप्थ में पूछा जा रहा है, पुराना भी पूछा जा रहा है, काफ़ी टफ है करंट अफेयर्स आज के टाइम में, लेकिन स्टैटिक में ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। तो कोशिश कीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले आप इतना पढ़ाई कर लें जीके की कि आपको हर सब्जेक्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाए, रीजनिंग का हो, सॉरी हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कि आपको बेसिक मूलभूत चीज़ें आपको पता हो, बेसिक फैक्ट्स आपको पता हो, तो उस बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर आओगे। तो क्योंकि जीके के आने हैं 20 क्वेश्चंस, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस टफ होंगे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी भी होंगे, तो एटलीस्ट ईजी क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे आपको इंग्लिश में मैक्सिमम, इतना किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश में आपको दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सेट्स तो आपको कंप्लीट कर ही लेना है 2022 के,
इसके अलावा आपको जो ये 2-3 महीने का वक्त है इसमें आपको रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। वोकैब क्वेश्चन काफ़ी इजी आ रहे हैं, इजी ही आएंगे। रीडिंग जो सेक्शन होता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो गया या पैरा जनरल हो गया या कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यही है जो बच्चों को आज के टाइम में परेशान कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ऑल इन ऑल मैं आपको एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा आपको लगाना है, ठीक है, असेसमेंट उसका करिए, एनालाइज करिए उसको अच्छे से, वो सब तो है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ आपको करना है अपने आप में इम्प्रूवमेंट इस बार से जो ऐड हो गया है, पहले इतना हम लोग कंसर्न नहीं रखते थे, वो है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा, 4 में से अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं सिर्फ तब आप लगा सकते हैं कुछ हद तक तुक्का, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक गलती आपने की आपका 1 नंबर साफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ तुक्का लगाने की गलती मत कीजिए, जो भी आपको आता है उसी के बेसिस पे आप पेपर दीजिए, ठीक है, और मार्क्स आपके अच्छे ही आएंगे। बाद में अफसोस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि यार काश 2 क्वेश्चन कम टिक किए होते गलत, तो देख कट ऑफ तो क्लियर कर ही जाता है, ऐसा अफसोस हो सकता है आपको बाद में। तो एक्यूरेसी ट्राई कीजिए कि मैं 100% तक पहुँचाऊँ। अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनका 70, 80, 85, 90 तक रहता होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैं 100% एक्यूरेसी के साथ पेपर अटैम्प्ट करूँ, इसकी हैबिट डालिए। हम लोग क्या ना थोड़े से लालची हो जाते हैं मार्क्स के मामले में। अब जैसे 200 नंबर का पेपर है, 110 नंबर का हमें आता है, उतना हमने टिक कर लिया, अब सोचते हैं कि भाई अगर 120 आ जाए तो बेटर रहे, तो 3-4 थोड़ा ऐसे ही अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, 2 भी सही हो गया तो काम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है, 4 के 4 गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने प्रिपरेशन जितना आपने किया है उसी के बेसिस से आपको पेपर देना है, अपने नॉलेज के बेसिस पे ही पेपर देना है। लक का फेवर सीक नहीं करना है कि अगर सही हो गया तो मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा, ये काम मत कीजिएगा प्लीज़।